अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मैं आप लोगों के साथ कोई रिव्यू वीडियो शेयर करूंगी। तो मैंने आप लोगों से अपने लास्ट व्लॉग में पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉग में ही दिखा दिया करूं या अलग से रिव्यू वीडियो करूं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अलग से करें, इस तरह जो है हमें आसानी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिस रोज़ का जो मेकअप है उसका थोड़ा सा रिव्यू। ये मेकअप जो है ये मैंने रिसेंटली जो है वो ऑर्डर किया था। किस पेज से ऑर्डर किया था, कितने का किया था, और ये वाला ग्लिटर पैलेट तो आप लोग वैसे भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में देख चुके होंगे। जो भी मैं तैयार होती हूँ उसमें आप लोगों ने देखा, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने इन चीज़ों को काफ़ी अर्से ट्राई किया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ इन सब चीज़ों का जो है वो रिव्यू शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि चीज़ें मैंने कहाँ से मंगवाई हैं, किस पेज से मंगवाई हैं, और इनकी क्वालिटी कैसी है, कौन सी चीज़ इनमें से लेनी चाहिए कौन सी नहीं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और शेयर भी सबसे ज़्यादा करिएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मिस रोज़ ब्रांड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मिस रोज़ एक ब्रांड है, ये किसी ब्रांड की कॉपी नहीं है या ड्यूप नहीं है, ये खुद से एक ब्रांड है। और उनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं मिस रोज़ के, और बहुत ज़्यादा आजकल ये जो ब्रांड है ये काफ़ी ज़्यादा इन है, इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और प्राइस सबसे मज़े की बात ये कि इनकी जो प्राइस है ना वो सबसे ज़्यादा कम है। तो मैं आप लोगों के साथ बारी बारी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें जो है ऑर्डर किए। वैसे तो मैंने मेकअप ऑर्डर करना छोड़ ही दिया है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो है वो अपने लिए ऑर्डर की हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये है जी मिस रोज़ का कंसीलर। और इस दफ़ा जो मैंने शेड मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है बेज 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने मंगवाया है बेज 2, और ये मैंने बिल्कुल नया कंसीलर मंगवाया है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि मेरे पास पहले से ही दो ये कंसीलर हैं। ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट कंसीलर है, और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा कंसीलर आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मिस रोज़ का मिलेगा। तो ये वाला जो है ये नया है, और ये जी मेरे पास पहले से हैं दो, जिनमें से एक था आइवरी 6, बहुत ज़्यादा लाइट शेड था और पिंक अंडरटोन में था, और जो दूसरा था वो था बेज 4। और ये मेरी स्किन टोन से जो है ये है जी काफ़ी ज़्यादा डार्क, तो इसलिए फिर मैंने ये जो है यूज़ में दोनों कर लेती हूँ कि ये लगा के उसके ऊपर ये लगा लेती हूँ एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है बेज 2, और बेज 2 जो है ये मेरा ओरिजिनल शेड निकला है। तो ये है इसकी प्राइस जो है ये है जी 250 रुपीज़। और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाई हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जी ये जो मिस रोज़ का मेकअप जो है ये अवेलेबल है मतलब लोकल मार्केट में है, तो मैं ये कहूँगी कि लोकल मार्केट से लेने की बजाय ना, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत सारी कॉपीज़ भी होती हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन ले, आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन मेकअप मंगवाएं। और मैंने जिस पेज से मंगवाया उसका नाम है makeupshop.pk, तो उनका लिंक ये रही उनके पेज की पिक, और उनका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके उनसे मेरा नाम लेके जो है ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कंसीलर है, साथ में मैंने मंगवाई है जी ये फाउंडेशन। मेरे पास जो पहली थी वो थी बेज 1 में, और ये मैंने मंगवाई है बेज 3 में। तो मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये फाउंडेशन जो है बेस्ट है, और इसका मैं पहले भी अलग से जो है वो रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो उस इस वीडियो का जो रिव्यू है, मतलब इस फाउंडेशन का मैंने जो पहले रिव्यू किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं रिव्यू। और इस दफ़ा मैंने मंगवाया है बेज 3। पहले जो मेरे पास ये है वो है बेज 1 में, तो बेज 1 में थोड़ा लाइट था, और बेज 3 जो है वो थोड़ा सा डार्क है, मतलब एक अंडरटोन डार्क है, लेकिन फिर भी ये मेरा परफेक्ट मैच है। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करती हूँ तो ये मेरा परफेक्ट मैच बनता है। तो ये मैंने मंगवाई है एक डेली वेयर के लिए भी, और अगर आप लोग किसी शादी के फंक्शन में जाना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन आप अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जी इसकी जो प्राइस है बेस की वो है 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ में आजकल आपको कोई भी बेस नहीं मिलेगी, तो ये जी ये मंगवाई है मैंने। उसके बाद मैंने एक मंगवाया है मेकअप फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, मेकअप ब्रश नहीं, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया, और सबसे एंड में जो चीज़ आती है वो है जी ये मिस रोज़ का ग्लिटर आई शेडो पैलेट।
आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेरे भाई की दुआ खैर वाली मैंने वीडियो शेयर किया तो उसमें आप लोगों को ये पैलेट नज़र आया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिया है, इसकी क्वालिटी कैसी है, हमें बताएं, इसका रिव्यू दें। तो आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये है जी मिस रोज़ का ग्लिटर 18 कलर ग्लिटर पैलेट है ये। इसमें आपको मेरे ख्याल में दो तीन तरह के मिलते हैं, तो मैंने ये वाला मंगवाया है। आप इसको 12 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं और ये सारे इसके वार्निंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद सारी वार्निंग है, मतलब अगर इरिटेशन हो तो आपने इसको यूज़ नहीं करना, इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, ठीक है। ये हो गया, तो अभी मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत ये पैलेट है, बहुत प्यारे इसमें कलर हैं। इसमें 18 ग्लिटर्स आपको मिलते हैं और सब कलर जो है वो मिल जाएंगे। तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर इसमें, क्योंकि दो तीन और मतलब कलर्स भी आते हैं, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि जो आसमा हसीब ने लिया है हमें वही वाला चाहिए। तो मैं आप लोगों को कलर्स दिखाती हूँ, तो कलर्स आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ये इसमें लाइट सा ग्रीनिश कलर है, ब्लू है, सिल्वर के टोन में है, गोल्डन के सारे कलर हैं, ऑरेंज, ब्लू, अगर आप स्मोकी आई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है उस पर। तो ये सारे कलर्स हैं और इनकी पिगमेंटेशन मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग हैरान रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी पिगमेंटेशन है। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट जो कलर है वो स्वॉच करती हूँ, तो वो है जी ये पिगमेंटेशन। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है, ये और उसके बाद ये गोल्डन कलर, क्योंकि आपको पता ज़्यादातर शादी के फंक्शंस में गोल्डन कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया, उसके बाद हम ये स्वॉच कर लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं एक ये स्वॉच। तो आप लोग इनके स्वॉचेस जो हैं वो देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये आंखों पे लगे हुए प्यारे बहुत लगते हैं। अभी मैं आपको बाजू पे भी स्वॉच करके दिखा देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी है और आंखों पे काफ़ी देर तक रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये वाला मैंने पैलेट मंगवाया है क्योंकि मुझे इस तरह के पैलेट की ज़रूरत थी और मिस रोज़ की क्वालिटी के बारे में तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी क्वालिटी होती है। तो ये है जी कुछ न्यू मेकअप जो कि आजकल में मैंने परचेज़ किया है। और मैंने टिंट भी जो है, लिप एंड चीक स्टेन जो होते हैं, लिप एंड चीक टिंट जो होते हैं, वो भी परचेज़ किए हैं। तो अगर आप लोग उनका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये है जी थोड़ा सा मेकअप जो कि मैंने मिस रोज़ का नया मेकअप जो है वो मैंने बाय किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग ऐसी रिव्यू वीडियोस और देखना चाहते हैं या मैं किसी व्लॉग में डाल दिया करूँ। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।